बीजेपी सरकार के शाह प्रशासन पर साधा निशाना। गुड़ विधानसभा क्षेत्र भैरव बाबा क्षेत्र में शर्मनाक घटना हुई है। वहां घूमने गए दंपति को पेड़ से बांधकर दुष्टकृत्य की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूं। आइए ये ताजे अपडेट के लिए रिवर प्राइड न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कांग्रेस की नेता कविता पांडे जी ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। रीवा जिले के भैरव बाबा क्षेत्र में एक दंपति जो नवविवाहित हैं और शायद कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भैरव बाबा क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बांधकर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद वो सोमवार को गली गली थाना थाना कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी, लेकिन यहां की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले इस पर फोकस कर रहा था और इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं करी, उसके न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मामले को उल्टा दबाने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की है। मैं ये बेहद शर्मनाक, निंदनीय और निहायत ही घटिया कृत्य है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तो आपने बनाया ही था, पर रीवा को आपने बिहार बनाने की कोशिश की है, ये भी बहुत घृणित कृत्य है। और मैं इनसे मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया को और उस परिवार को, पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाइए, उनके घर जाइए और निर्भया फंड सरकार ने बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस फंड की आप बंदरबांट कर रहे हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो कृत्य आपने किया ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और पूरा रीवा जिले के साथ हम सभी शर्मसार हैं कि हमारे यहां भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी। मैं बेटी को न्याय मिले इसके लिए पुरजोर पूरी ताकत के साथ कोशिश करूंगी।